हाय गाइस, आज हम बनाने वाले हैं होममेड चीज क्यूब्स। ये रेसिपी काफी आसान है और जो घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसे ही हम यूज करके बनाएंगे। इस चीज क्यूब से मैंने एक चीज सैंडविच बनाया और आप देखेंगे कि वो कितना अच्छा बना है। ये देखिए, अगर आपको कोई भी रेसिपी में परफेक्टली मेल्टेड चीज चाहिए तो ये चीज क्यूब्स परफेक्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे दूध। ये जो दूध है ये फुल फैट मिल्क है। हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे गरम करना है, बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, हल्का सा वार्म करना है। जैसे ही दूध वार्म हो गया तो हम इसे गैस से निकाल लेंगे। इसे कैसे टेस्ट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें दूध को सिर्फ उतना ही गर्म करना है जितना आपकी बॉडी इसे सहन कर सके। जब हम दही बनाते हैं तो हम उंगली से चेक करते हैं कि दूध कहीं ज़्यादा तो गर्म नहीं है। बेसिकली अपनी उंगली डालिए दूध के अंदर और अगर 13 सेकंड तक आप अगर दूध का टेम्परेचर बेयर कर सकते हैं, दैट मीन्स परफेक्ट है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए दूध को कर्डल करना पड़ता है। यहाँ पे दूध को कर्डल करने के लिए हम यूज़ करेंगे विनेगर। हमें विनेगर को पार्ट्स में डालना है। सारा का सारा विनेगर आप एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा विनेगर डाल के इसे बिल्कुल हल्के से हमें इस तरीके से स्टर करना है। ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक साथ विनेगर डालेंगे तो दूध को एकदम एक साथ शॉक लग जाएगा, इसलिए एक साथ ना डालें। धीरे धीरे इसे स्टर करते रहें। आप देखेंगे कि अभी ऑलरेडी जो कर्ड है या फिर जिसे हम छेना कहते हैं वो सेपरेट होना चालू हो गया है। तो उसमें जो बाकी का विनेगर है हम वो भी डाल देंगे। अभी ये जो साइड पे दूध है इसका कलर वाइट लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जो कलर है ये ग्रीनिश येलोइश हो जाएगा। ये देखिए, कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज होने लगा है। इसका चेंज होने का मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर प्रोटीन है वो सारा का सारा कर्डल होके सेपरेट हो रहा है। बस अब एक बार सारा का सारा दूध कर्डल हो गया, उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो एक स्ट्रेनर की मदद से आप सारा का सारा दूध छान के एक छलनी पे रख दें। नेक्स्ट स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो हमें इसे वॉश करना है ताकि जो विनेगर का फ्लेवर है वो सारा का सारा निकल जाए। चीज़ में अगर विनेगर का फ्लेवर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और साथ ही साथ इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें दबा दबा के निकालना है। जितना मैक्सिमम आप पानी निकाल सकते हैं उतना मैक्सिमम पानी निकाल लीजिए। इनिशियली मैं एक स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं एक और चीज़ प्रेफर करती हूँ और वो ये है कि थोड़ा थोड़ा छेना हाथ में लेकर इस तरीके से दबा दबा के जितना एक्स्ट्रा पानी निकल सकता है उसे आप निकाल के साइड पे रख लें। और अब आएगा हमारा हीरो सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो है इनो। ये बेसिकली फ्रूट सॉल्ट है। हम इनो यूज़ करेंगे हमारे चीज़ को इमल्सिफाई करने में। 2 टीस्पून हमें इनो लेना है एक कटोरी में। इसमें हम पानी डालकर इसे एक्टिवेट कर लेंगे। तो इसमें पानी डाल लीजिए। ये देखिए काफ़ी बबली सा एकदम एक्टिवेट हो गया है। इसे हम स्टर करके जब तक ये सारे के सारे बबल्स सेटल ना हो जाए, अभी आप देखेंगे ये वाइटिश कलर का है, ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट हो गया उसका मतलब हमें इसे साइड पे रख लेना है। वैसे आप ये जो छेना बनाने के पहले भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया रेडी। अब हम इसे रख लेंगे साइड पे। ये सारे के सारे जो बबल्स है ये सारे के सारे चले जाने चाहिए। अब जो ये छेना वाला प्रोसेस है हम वापस इस पे आ गए और ये सारा का सारा छेना जो है मैंने डाल लिया एक मिक्सर ग्राइंडर में। माइंड यू, जितना पानी हमने निकालना था निकाल लिया है। इसमें हमने डाला है बटर। बटर इम्पॉर्टेंट है फ्लेवर के लिए। नमक डाल लेंगे हम इसके अंदर। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ येलो कलर, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। हम दूध भी डालेंगे। अगर आपको येलो कलर नहीं डालना है तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। नाउ कम्स हमारा इनो वाला पानी। ये जो इनो वाला पानी है इसे आप डाल लीजिए मिक्सी के अंदर और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। जैसे ही आप इसे ग्राइंड करेंगे अभी आप देखेंगे ये थोड़ा सा ग्रिटी है, इसमें दाने दाने दिख रहे हैं, लेकिन हम इसे मिक्सी में और चलाएंगे और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो गया है। ये है कि नहीं? तो बस ये जो क्रीमी सा मिक्सचर है अब ये हो गया तैयार। साथ ही साथ ये एकदम शाइनी सा हो गया है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसको इसी स्टेज पे टेस्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर में बनाया हुआ है। अब ये सारा का सारा जो मिक्सचर है हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में।
इस मिक्सचर को हमें थोड़ा सा पकाना है, लेकिन डायरेक्ट हीट पे नहीं पकाएंगे। बेस्ट होता है अगर आप वाटर बाथ के ऊपर इसे पकाएं, ये अच्छे से पक जाएगा। और जैसे ही ये अच्छे से पक जाए, फिर चीज़ बनाने के लिए तैयार है। तो सारा का सारा मिक्सचर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है और इस बोल को हम रखेंगे पानी के ऊपर। हम इसे हल्का सा गर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा लिक्विफाई हो जाए। बेसिकली जो बटर है, चीज़ है, वो मेल्ट हो रहा है और थोड़ा और पतला हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो चीज़ मिक्सचर है, ये जब तक पतला ना हो जाए तब तक आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। हम इसे एक कंटेनर में पोर कर लेंगे। मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर यूज़ किया है जिसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया और नीचे एक पार्चमेंट पेपर लगाया है। इसके ऊपर हम लगाएंगे क्लिंग फिल्म। ये जो क्लिंग फिल्म है, ये हमारे चीज़ के सरफेस के टॉप पे टच करनी चाहिए। ये करने के पीछे का लॉजिक ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि एयर कॉन्टैक्ट में आए चीज़ से, बिकॉज जैसे ही एयर कॉन्टैक्ट में आएगी तो ऊपर एक हार्ड सी फिल्म बन जाएगी और वो हम नहीं चाहते हैं। अब बस हमें इसे ठंडा करके फ्रिज में रखना है। हम इसे फ्रिज में रखेंगे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में जो बटर है, चीज़ है, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। और बस अब हम इसे कट करने के लिए तैयार है। कट करने के लिए पहले तो जो आपका नाइफ़ है उस पर हल्का सा तेल लगाइए। तेल लगाना ज़रूरी है ताकि जो आपकी चीज़ है वो बिल्कुल भी चिपके नहीं आपके नाइफ़ पे। तो बस अब चीज़ को ले आते हैं और इसे हम कट करेंगे। आप देखेंगे ये सेट हो गई होगी। दिखने में तो ये चीज़ परफेक्ट लग रही है। ऊपर छोटे छोटे ऐसे होल्स भी है जो चीज़ में होते हैं। तो बस कंटेनर को हटा दें, उसके बाद ये जो क्लिंग फिल्म है इसे निकाल के जो नीचे का पार्चमेंट पेपर है उससे चीज़ को सेपरेट कर लें। हो सकता है कि हल्की हल्की सी चीज़ चिपकेगी, बट दैट इज़ ओके। ना वो फ्लेवर को इफ़ेक्ट करेगा, ना वो टेक्स्चर को इम्पैक्ट करेगा। तो बस ये आसानी से निकल गया। इसे कट करने की आसानी के लिए मैंने वो जो पार्चमेंट पेपर है वो उसे नीचे इंटैक्ट रखा है और अब हम इसे कट करेंगे। आप इसको चीज़ क्यूब्स में कट कर सकते हैं या फिर इसके स्लाइसेस भी बना सकते हैं, पतले पतले। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चीज़ है आप इसे ग्रेट नहीं कर सकते हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये जो चीज़ क्यूब्स है आप या तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं या फिर पतले पतले स्लाइसेस कट कर सकते हैं। सो मैं आपको इसकी पतली पतली स्लाइसेस कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्लाइस है। एंड ऑफ कोर्स आप इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको सैंडविच में यूज़ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेड के ऊपर मैंने ये स्लाइसेस लगा कर हम इसे गैस पे ही टोस्ट कर लेंगे। आप देखेंगे कि टोस्ट करने पे ये चीज़ कितनी परफेक्टली मेल्ट हो जाती है। चलिए इसे कट करके एक बार चेक करते हैं। Just look at that! बहुत ही ज़्यादा amazing है। जो एक पीस है उसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ, है कि नहीं परफेक्ट? आपको ये चीज़ की रेसिपी आज ही ट्राई करनी चाहिए। मैं इसे टेस्ट करूँगी, आप भी इसे बनाइए, खाइए और enjoy! मुझे बताना ना भूलिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आपके रोज के खाने को यमी और इजी बनाना यही मेरा मिशन है। अगर मेरी सारी रेसिपीज पसंद आ रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, डू कमेंट ऑन इट, लाइक इट एंड शेयर।